लगी बाजियां प्राण की, हम तुम्हें सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान की, हम तुम्हें सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान की। जय जय राजस्थान, जय भारत की शान। लिखी कहानी कण कण पर जिस धरती के बलिदान की, हम तुम्हें सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान की। जय जय राजस्थान, जय भारत की शान। देश वो जहाँ चला करते थे नर अंगारों पर, यही देश वो जहाँ झूमते बांके वीर कटारों पर, यही देश वो जिसकी बातें अब तक लिखी सितारों पर। हर उलझन का हुआ फैसला तलवारों की धारों पर, जिसने आधी का रुख मोड़ा, जिसने आधी का रुख मोड़ा गतिरों की तूफान की, हम तुम्हें सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान की। गर्वीले राजस्थान, शीले राजस्थान की। ओ इस धरती का, इस धरती का एक लाडला अमर सिंह राठौड़ था, अमर सिंह राठौड़ था, राठौड़ था, राठौड़ था। मातृभूमि के मान भरे माथे का बांका मोड़ था, माथे का बांका मोड़ था, गिरा छोड़ था, गिरा छोड़ था। चाहे उम्र में छोटा था पर हिम्मत में बेजोड़ था, हिम्मत में बेजोड़ था। आन दान की आन बान का मन में बड़ा मरोड़ था, मन में बड़ा मरोड़ था। सुनो वार्ता, सुनो वार्ता आज उसी रण बंके के बलिदान की, हम तुम्हें सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान की। गर्वीले राजस्थान की, जोशीले राजस्थान की। जय जय राजस्थान, जय भारत की शान। जय जय राजस्थान। कुंवरी जी, कुंवरी जी, जल्दी आइए। वो देखिए, वो हिरन देखिए ना, कहाँ है? युवराज, युवराज, वो देखिए हिरन, वो देखिए। Thank you.
निर्भय, वो देखो। कौन लोग का फाटक? क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो? कौन हो तुम लोग? हे लड़के, सबान संभाल कर बात करो। जानते नहीं तुम्हारे सामने जोधपुर के युवराज अमर सिंह राठौर खड़े हैं। वाह, एक अमर सिंह माने हुए वीर पुरुष क्या हो गए? आजकल सभी अपने आप को अमर सिंह समझने लगे। नादान युवक, तुम्हारी जबान जरूरत से ज्यादा चल रही है। एक तो तुम हमारा शिकार उठा रहे हो और फिर उस पर जबान दराजी कर रहे हो। आपका शिकार? हाँ, उस हिरन पर हमने पहले निशाना लगाया था। मगर वार हमने पहले किया और जीत उसी की होती है जो पहले वार करता है। जी हाँ, ये अमर सिंह बनने का ढोंग किसी और को दिखाना। अपनी खैरियत चाहते तो चुपचाप चले जाओ। जोधपुर की सीमा में रहने वाले की ये मजाल, हम इस अपमान का बदला लेकर ही रहेंगे। कौन है इस गाड़ी का सरदार? वीर शिरोमणि हारा सरदार जुझार सिंह। जुझार सिंह? वो तो हमारे मित्र हैं। घड़ी का फाटक खोल दो और उन्हें खबर कर दो कि हम आए हैं। घड़ी का फाटक किसी अजनबी के लिए नहीं खोला जाता। अरे नादान युवक, क्या तूने अभी तक अमर सिंह राठौर को नहीं पहचाना? वीर को उसकी वीरता से पहचाना जाता है, सूरत देखकर नहीं। अगर युवराज है तो अपनी वीरता का प्रमाण दे। ओह, आज तक हमने किसी की चुनावती ना मंजूर नहीं की, पर हमारी वीरता का प्रमाण तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। आप वीर अमर सिंह राठौर होते तो ऐसी बातें नहीं करते। ये बात है। और कुछ प्रमाण चाहिए तो वो हमारी तलवार देगी। हाड़ा वंश की तलवार भी टक्कर लेना जानती है। सर झुकाना नहीं, सावधान। युवराज, ये क्या आपकी तलवार अपनी प्रजा पर कैसे उठ गई? हमारे लिए फाटक नहीं खोला गया, हमारी वीरता को ललकारा है। ये सब तुमने किया होगा। मुझे क्या मालूम था पिताजी कि ये सचमुच युवराज है। प्रणाम कर युवराज को। युवराज हमारे मेहमान हैं। इनके साथियों के लिए फाटक खुलवा दो। जाओ बेटा। बहुत अच्छा पिताजी। पधारिए युवराज। खोलना पड़ा ना दरवाजा। अरे हमारे युवराज से टक्कर लेने वाला तो आज तक ना पैदा हुआ है और ना होगा। मानते हैं वीर अमर सिंह राठौर की वीरता को सब जानते हैं, लेकिन आप किस खेत की मूली हैं? मूली? छोकरे अपने शब्द वापिस ले, वरना मेरी तलवार म्यान से निकल कर ये तेरी गाजर जैसी गर्दन का सफाया कर देगी। हाँ जाइए जाइए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। बरसते नहीं है? अभी दिखाता हूँ। तू क्या समझता है? क्या स्त्री? हाय हाय, अरे मुझे क्या मालूम था कि यहाँ की स्त्रियां भी पुरुष बन जाती है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, अरे कहीं मैं ना स्त्री बन जाऊं। युवराज, युवराज, युवराज। वीर शिरोमणि महाराज अधिराज जोधपुर नरेश श्री गज सिंह जी पधार रहे हैं। महाराज की सेवा में बादशाह सलामत ने शाही फरमान भेजा है। शाही फरमान? क्या बात है सलामत सिंह? महाराज, जालिम सिंह डाकू ने हमारे राज की सरहद में फिर से शाही खजाना लूटा है, इसलिए बादशाह सलामत ने महाराज से हर जाना तलब किया है। ठीक है, हर जाना अदा कर दिया जाएगा। आखिर हम कब तक अपनी रियासत की आमदनी से हर जाना अदा करते रहेंगे? हमारी समझ में नहीं आता कि तुम लोग एक मामूली डाकू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। बड़े अफसोस की बात है। क्षमा कीजिएगा महाराज, जालिम सिंह कोई मामूली डाकू नहीं है। उसके जैसा खतरनाक और चालाक डाकू ना आज तक कोई हुआ है ना होगा। सामन सिंह, जोधपुर के महामंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। राठौर वंश की तलवारें बड़े बड़े देशों पर विजय पा सकती हैं और एक मामूली डाकू को काबू में नहीं ला सकती। जाओ अमर सिंह को बुलाओ, ये जिम्मेदारी हम अपने बेटे को सौंपे। युवराज तो शिकार खेलने गए हैं महाराज। तमाम शिकारगाहों में उन्हें तलाश कराया जाए।
जो आज्ञा। और लिखा जाए कि वो फौरन अपनी राजधानी की तरफ रवाना हो जाए। भोजन कैसा है युवराज? ये तो आपने बताया ही नहीं। बहुत ही स्वादिष्ट। क्या तुम्हारे रामगढ़ में रोजी ऐसा भोजन बनता है? रोज तो नहीं युवराज, पर जब कुंवरी जी अपने हाथों से पकती है तब तो वाकई सबको तारीफ करनी पड़ती है। अरे वाह, हम तो समझे थे तुम्हारी कुंवरी जी केवल तलवार चलाना ही जानती। नहीं नहीं युवराज, हमारी कुंवरी जी के गुणों का तो बखानी नहीं किया जा सकता। वो तो किसी बहुत बड़े राजपूत कुल की गृह लक्ष्मी बनेंगे। इसमें क्या संदेह, सचमुच भाग्यशाली होगा वो पुरुष जिसे ऐसे वीर पत्नी मिलेगी। गीत हमें यहाँ खींच लाया। आप जैसे वीर पुरुष को इस तरह छुपकर यहाँ आना शोभा नहीं देता। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। आज पहली बार हमें ऐसा लगा कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी कमी रह गई और वो कमी तुम हो चंद्रावती। अब कहना क्या चाहते हैं युवराज? यही कि तुम्हारा हाथ हमारे हाथों में आ जाए। ये बात तो आपको बापू से पूछनी चाहिए। एक राजपूत कन्या के होंठ इस बात का जवाब नहीं दे सकते। ओ, तब तो हम कल ही हाड़ा सरदार से जरूर मिलेंगे। लेकिन तुम्हारे मन में क्या है ये भी तो हम जानना चाहते हैं। मेरे मन में आपका स्थान बहुत ऊंचा है। कुंवरी जी,
के तो दिन अभी आने वाले हैं। पहले चल के देखो तो सही कि युवराज ने क्या कर डाला। क्या कर डाला? आप चल के देखे तो सही। चलिए जल्दी चलिए ना, फिर मेरी बात सुनो। हर बाप को अपनी बेटी किसी न किसी को देनी ही पड़ती, और युवराज की मांग मेरे सर आंखों पर, लेकिन एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? कुछ दिन पहले जब हम लोग आगरे में रहते थे, तब शाही दरबार का एक बख्शी सलावत था, शाही फरमान लेकर कभी कभी हमारा घर आया करता था। एक बार उसकी नजर मेरी चंद्रा पर पड़ गई, उसका आना जाना बढ़ने लगा। एक दिन उस बदमाश ने शेरनी को छेड़ दिया, चंद्रावती की कटार म्यान से बाहर आ गई। कटार की चमक और शेरनी की आंखों में खून देखकर उस दिन तो वो बदमाश पैर पड़कर किसी तरह निकल गया। मेरी शर्त यही है कि जिसने मेरी चंद्रा पर बुरी नजर डाली है, उसकी मौत का बीड़ा जो राजपूत उठाएगा, वही मेरी बेटी का हाथ पकड़ेगा। समझा, तो चंद्रावती को पाने की कीमत है सलावत की मौत। ये कीमत नहीं युवराज, राजपूती आन की कसौटी है। तो आप विश्वास रखिए, अमर सिंह इस कसौटी पर पूरा उतरेगा, लेकिन हम किसी शर्त में बनना नहीं चाहते। ब्याह होने के बाद अगर हम चाहेंगे तो सलाबत का सर तो क्या आसमान के तारे तोड़ कर ला देंगे। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन। लेकिन क्या राव जी, एक राठौर राजपूत जिस तरह अपनी दुश्मनी नहीं भूलता, उसी तरह अपना कौल भी नहीं भूलता। अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है। तो फिर ये लीजिए हमारी कटार, जोधपुर पहुंचते पिताजी से कह के डोला भिजवा देंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। आप नहीं जा सकते युवराज, आज की खुशी में मेरी इस कुटिया को तो मुस्कराने का मौका दीजिए। नहीं नहीं राव जी, अब तो एक साथ ही खुशियां मनाएंगे, इस वक्त हमें जाने दीजिए। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। गोरी की घर की कहां भागे जा रही हैं आप? ये तो मेरे इनाम पाने का मौका है। सारी बात पक्की हो गई, आपके मन की मुराद पूरी हो गई। लाइए मेरा इनाम, लाइए। बढ़िया इनाम वाली, ये ले। जुग जुग दिया कोरी जी, तुम्हारा तो हाथ अमर बना रहे, तुम्हारे बहुत से वीर पुत्र। बदमाश के, हाय हाय, मारते क्यों हो? मैं तो वही कह रही हूँ जो तुम्हारे दिल में है। तू क्या जानू मेरे दिल में क्या है, कैसे नहीं जानू? तुम्हारी आंखें बता रही है, गालों की लाली कह रही है। अच्छा अच्छा, मेरा एक काम कर दो, आज्ञा दीजिए। युवराज आज जाने वाले हैं ना, मैं चाहती हूँ जाने से पहले उनसे भेंट हो जाए। बस इतनी सी बात, लो अभी ले आती हूँ। लेकिन सुन तो सही, वहां जाकर कहेगी क्या? जो जी में आएगा बस वही कह दूंगी। ओह, आ गई तुम। हमें मालूम था कि जाने से पहले तुम हमें जरूर विदा करने आओगी। ओहो जी, हमें क्या पड़ी है कि हम ऐसे ऐरे गैरे को विदा करते फिरे? क्या कहा जी, हम ऐरे गैरे? देखो जी, अगर तुम अपनी कुमरी जी की खास हो तो हम भी अपने कुंवर जी के खास हैं। हाँ, क्या समझी? उल्टी सीधी बातें हम नहीं समझा करते। युवराज कहाँ है, हम तो उन्हें ढूंढने आए हैं। अजी, हम क्या किसी युवराज से कम है? जरा घूंघट तो हटाओ। ये मुंह और मसूर की दाल। मसूर की दाल? क्या कहा? अरे ये क्या करो, हमारा हाथ छोड़ो। हम कहते हमारा हाथ छोड़ो। नहीं, हम ठाकुर हैं, ठाकुर जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो वो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। हाय हाय हाय, हमें नहीं मालूम था कि पड़ जाते हैं। बेशक, हम गले पर वो ठाकुर हैं, समझी? हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो। अच्छा हाँ। अरे ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा कर और हंस कर हाँ कहो। तेरे की काट भी गई और ना ना भी कह गई। कुंवरी जी, युवराज आ गए हैं। तुमने हमें बुलाया था चंद्रावती? क्या बात है, कहो ना। आप जा रहे हैं जोधपुर पहुंचकर, हमें भूल तो नहीं जाएंगे। अमर सिंह के हृदय की परख तुम्हें नहीं है चंद्रावती, नहीं तो ऐसा सवाल न करते।
तुम्हें भूलना तो अपने आप को भूल जाने का बराबर होगा, लेकिन ऐसी बात तुम्हारे मन में आई कैसे? स्त्री का मन कोमल जो होता है। चंद्रावती के मन की दृढ़ता का परिचय तो हमें उसी समय मिल गया जबकि हमारे बढ़ते हुए हाथ को देखकर उसने अपना हाथ हटा लिया था। क्या आप उस बात का बुरा मान गए? नहीं चंद्रावती, उस जरा सी बात ने तो हमारे दिल में तुम्हारे लिए और भी श्रद्धा बढ़ा दी। रूप गुण और वीरता के साथ साथ तुम्हारा चरित्र भी हमारे लिए अभिमान करने की योग्य। मैं तो आपके चरित्र की दासी हूँ। तुम हमारे हृदय की स्वामिनी हो। अब आज्ञा दो, हमें जाना है। हमारे जोधपुर पहुंचते ही तुम्हें लाने के लिए डोला निकल जाएगा। आज से आठवें दिन तुम जोधपुर के महलों में होंगी और हम तुम्हारे सामने होंगे। मैं प्रतीक्षा करूंगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा देर हुई तो आपकी दी हुई कथा मेरे पास मौजूद है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे उम्मीद है तुम मेरा इंतजार करोगी। क्या अमर सिंह अभी तक नहीं आया? नहीं। हाँ, अब वो आएगा भी किसके लिए? बहू रानी गुजर गई, बच्चों को ननिहाल भेज दिया, बस अब वो है और उसका शिकार। तुम ठीक कहती हो रानी, अमर सिंह की ये लापरवाही रियासत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। लापरवाही के अलावा कभी कभी तो उसकी बातें भी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, मगर मैं ये सोचकर चुप रह जाती हूँ कि कहीं बाप बेटे में तलवार न चल जाए। क्या कह रही हो रानी? जाने दीजिए, अगर कुछ बात बढ़ गई तो लोग कहेंगे सौतेली माँ होने के कारण मैंने ही आपके कान भरे हैं। नहीं रानी, तुम्हें ये बताना ही होगा। क्या बताऊं? मुझसे कहता था महाराज तुम्हें नहीं लाए, दूसरी कैकई ले आए हैं, और एक दिन दशरथ की तरह उन्हें भी रोना पड़ेगा। क्या ये अल्फाज वाकई अमर सिंह के हैं? अमर से इस बारे में कुछ न करिएगा, वरना लोग मुझे सचमुच बदनाम करेंगे। प्रणाम पिताजी। कहाँ थे तुम? शिकार खेलने गया था पिताजी। शिकार खेलते खेलते हाड़ौती के सरहद तक पहुंच गया था और रामगढ़। लेकिन तुम्हें यह भी खबर है कि यहाँ क्या हो रहा है? जालिम सिंह के जुल्म से तुम से रियासत की बुनियादी हिल रही है और तुम शिकार और ऐशो इज्जत में मस्त हो। पिताजी, मुझे शिकार का शौक जरूर है, मगर ऐशो इज्जत से मुझे जितनी नफरत है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। जोधपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि अमर सिंह की उंगलियां फूल की पत्तियों के बजाय कांटों से खेलती रही हैं। उसका हाथ किसी गुलाबी हाथ को सहलाने के बजाय तलवार की मुठ को ही थपथपाता रहा। इसका सबूत? आज्ञा दीजिए। तो जाओ और सरकश डाकू जालिम सिंह को गिरफ्तार करके हमारे सामने हाजिर करो। उसने शाही खजाना लूटा है, उसकी गिरफ्तारी ही तुम्हारी बहादुरी का सबूत है। आप विश्वास रखिए पिताजी। सुनी पिता की आज्ञा, दुश्मन की ललकार, अमर सिंह की म्यान से निकल पड़ी तलवार, निकल पड़ी तलवार म्यान से, निकल पड़ी तलवार। धरती हिली हिला अंबर, दुनिया में हाहाकार हुआ, जब जान हथेली में लेकर घोड़े पे शेर सवार हुआ। खूंखार बबर शेरों से जग में रखना अच्छा बैर नहीं, तलवार घुमा था अमर चला, अब जालिम सिंह की खैर नहीं, वो बिजली थी या घोड़ा था, तूफान था जिसकी मस्ती में, बस एक कदम में जंगल था, दूसरा कदम था बस्ती में। ते कौन करेगा रक्षा, कौन करेगा रक्षा अब उस जालिम सिंह के प्राण की? हम तुम्हें सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान की। जय जय राजस्थान।
भाई लागे सरकार। भाई लागे, तुम लोगों में से कोई जालिम सिंह डाकू के बारे में कुछ बता सकता है? क्यों नहीं सरकार, जालिम सिंह अभी दो रोज पहले हमारे गांव में पधारे थे। यहाँ आया था? कितना नुकसान हुआ तुम्हारे गांव का? नुकसान कैसा सरकार? जालिम सिंह ने तुम्हारे गांव में लूटमार तो की होगी। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार, जालिम सिंह गरीबों का घर कभी नहीं लूटता, वो तो हमारे गांव के सारे बच्चों को मिठाई बांटने आया था। मिठाई बांटने के लिए? अरे जालिम सिंह डाकू है या कोई हलवाई? जालिम सिंह हम गरीबों के हमदर्द है सरकार, हम उसे डाकू नहीं समझते। अच्छा, लेकिन उसके रहने का कोई ठिकाना तो होगा? ये तो कोई नहीं जानता सरकार, जालिम सिंह सावन भादों की बिजली की तरह आता है और चला जाता है। अच्छा, किस तरफ से आता है? जी पूरब की तरफ। पूरब, चलो निर्भय। ये जालिम सिंह तो एक पहली बन गया है निर्भय, जहाँ देखो इसकी शराफत और दरिया दिली की तारीफ सुनाई देती है। युवराज, मुझे तो सब ये ढोंग मालूम होता है, लोगों के दिल में जगह पाने के लिए वो लोगों की खाम खाम मदद करता फिरता है। युवराज, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे कच्चा ही खा जाऊंगा। युवराज, अगर आज्ञा हो तो मैं थोड़ा पानी पी आऊं। तुम हो जालिम सिंह डाकू? जी हाँ, शाही खजाना कई बार लूट चुका हूँ, आप डाकू कह सकते हैं। जालिम सिंह, हमने तुम्हें गिरफ्तार करने का बीड़ा उठाया है, हम तुम्हें गिरफ्तार करके जोधपुर ले चलेंगे। शौक से ले चलिए, मगर ये तलवार आपकी रात में बाधा डाले तो फिर सब। घबराओ नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मैं अपनी आदमियों की मदद नहीं लूंगा। मैं भी अपने आदमियों की मदद नहीं लूंगा। शाबाश जालिम सिंह, लेकिन अमर सिंह भी निहत्थे पर वार नहीं करता। निर्भय, ये लो तलवार। और जालिम सिंह भी दूसरे की तलवार से कभी नहीं लड़ता। युवराज, Thank you.
राठौड़ी बाजों की ताकत हो तो मेरे सीने में खंजर, ताकि मैं अपनी हार को हमेशा के लिए भूल जाऊं। ये हार ही तुम्हारी जीत है जालिम सिंह। उठो, तुम्हारी बहादुरी ने हमारे दिल में जगह कर ली। तो आप मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे? गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम महाराज को वादा कर चुके हैं। ऐसे तुम आज से हमारे दोस्त। दोस्त? ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? हाँ जालिम सिंह, हमने तुम्हारी शराफत की तारीफ सुनी है और आज हमने तुम्हारी बहादुरी भी देख ली। सिर्फ वादा करो कि तुम लूट मार छोड़ दोगे। मैं वादा करता हूं कि आज से मैं लूट मार छोड़ दूंगा। राजकुमार, इनकी मूछ असली है या नकली? निर्भय, चलो जालिम सिंह, चलो। महाराज की सेवा में जालिम सिंह हाजिर है। शाबाश अमर सिंह, हमें यकीन था कि इस खतरनाक डाकू को तुम जरूर गिरफ्तार करके लाओ। ये आपकी आज्ञा का पालन है महाराज, लेकिन अपने दिए हुए कौल के मुताबिक मैं इन्हें आजाद करता हूँ। निर्भय, इनकी बेड़ियां खोल दो। आजाद? क्या मतलब? मैं जालिम सिंह को अपना दोस्त बना चुका हूँ महाराज। दोस्त? एक डाकू को, एक मुजरिम को, इस सल्तनत के बागी को तुमने अपना दोस्त बनाया है? क्षमा कीजिए महाराज, जालिम सिंह के बारे में जो कुछ भी खबरें मिली थी वो बिल्कुल झूठ थी। मैं इस बात की पूरी जांच कर चुका हूँ, वो एक बहादुर और नेक दिल राजपूत। क्या इसने शाही खजाने नहीं लूटे? अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने सिर्फ गरीबों की रक्षा करने के लिए वो शाही जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई है। कोई भी आदमी तलवार के जोर से कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता। सामन सिंह, जालिम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। खबरदार, जिसने भी कदम आगे बढ़ाया उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। अमर, इस गुस्ताखी के लिए हम तो मेरे आफत के हफ्ते महरूम कर देंगे। राजपूत की सबसे बड़ी दौलत उसका कौल होता है महाराज। मैं अपने कौल पर एक रियासत तो क्या हजार रियासतें निछावर कर सकता हूँ। युवराज, अब आप मुझे गिरफ्तार हो जाने, मुझे कोई दुख न होगा। आप अपने पिता की आज्ञा मान लें। पिताजी की आज्ञा न मानने का अपराध भगवान शायद क्षमा कर देगा, मगर अपने वचन को तोड़कर मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। हमारी आज्ञा के आगे तुम्हारे कौल को सर झुकाना होगा। जिस दिन राजपूत के कौल का सर झुक जाएगा उस दिन चांद और सितारे टूटकर जमीन पर आ गिरेंगे। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। जो आज्ञा महाराज। चलो सालिम। सालिम सिंह नहीं जा सकता, गिरफ्तार कर लो इसे। इसकी ताकत है जो तूफान को रोक सके। हट जाओ। चलो सालिम। महाराज ने युवराज को देश निकाला दे दिया है। देश निकाला? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक और भी नहीं भूलता। अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है। तो फिर ये लीजिए हमारी कटार। लेकिन अगर उससे ज्यादा देर हुई तो आपके लिए ही कटार मेरे पास मौजूद है। ये क्या कर रही हो बेटी? मुझे छोड़ दो पिताजी। जब युवराज जी अपना वादा भूल गए तो मैं जेकर क्या करूं? पगली कहीं की, अमर सिंह अपने कौल का पक्का और बात का धनी है। जिसने एक डाकू को दिए वो वचन की खातिर इतना बड़ा राज छोड़ दिया वो कोई मामूली आदमी नहीं, वो अपने कभी नहीं हट सकता है। लेकिन वो गए कहां पिताजी? उनका पता कैसे चलेगा? सूरज का प्रकाश कहीं छिप सकता है बेटी? जोधपुर छोड़कर जहां भी गया होगा पता चल ही जाएगा। तो इस तरह अपना दिल छोटा न कर, हम उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बेटी, आलम पनाह के हजूर में जोधपुर के महाराज गय सिंह अर्ज करते हैं कि उन्होंने अमर सिंह की गुस्ताखी और लापरवाही की वजह से उसे जिला वतन कर दिया है। क्या? और इसलिए महाराज गय सिंह अपने छोटे लड़के जसवंत सिंह को जोधपुर का वली अहद बनाने की दरख्वास्त करते हैं। ताज्जुब है, माँ बदौलत की समझ में नहीं आता कि गज सिंह ने अमर सिंह जैसे बहादुर
और जांबाज बेटे को जिला वतन करके कौन सी अकलमंदी की? हो सकता है कि अमर सिंह ने जो भी गुस्ताखी की है उसके नाकाबिल बर्दाश्त होने की वजह से ही गज सिंह ने ऐसा सख्त कदम उठाया हो। खैर, वजह कुछ भी हो, ये उनका जाती मामला है। जब तक कि किसी फरीक की तरफ से हमारे हुजूर में फरियाद पेश न की जाए, माँ बदौलत को इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ एक बहादुर की बहादुरी से। यानी? अमर सिंह की बहादुरी के कारनामे हम कई बार सुन चुके हैं। हम चाहते हैं कि उसकी बहादुरी और दिलेरी का पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। सलावत खान, जो हुक्म आलीजा। पता लगाओ अमर सिंह कहाँ है। आलीजा, जोधपुर के नुमाइंदे ने खबर दी है कि अमर सिंह अपने ससुराल पहुंच गए, जहां उसके दोनों बच्चे अपने मामू अर्जुन सिंह गौड़ के यहाँ परवरिश पा रहे हैं। तो तुम आज ही कासिद रवाना कर दो, ताकि वो अर्जुन सिंह गौड़ के यहाँ से अमर सिंह को अपने साथ ही शाही दरबार में ले आए। गुस्ताखी माफ हो आलीजा, आपका हुक्म बजा लाने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कहो कहो। आलमपना अमर सिंह की बहादुरी से मुतासिर होकर उसे अपनी मेहरबानी की नियामत बख्शना चाहते, मगर आलीजा को उस वाक्य की असलियत जिसकी वजह से अमर सिंह को जिला वतन किया गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आलीजा को हकीकत से आगाह कर देना अपना फर्ज समझता हूँ। जिस जालिम सिंह डाकू की गिरफ्तारी का शाही फरमान आलमपना के हुक्म से जारी किया गया था, उसी को अपना दोस्त बनाकर अमर सिंह ने अपने वालिद की शान में गुस्ताखी की। अच्छा, तो इसी वजह से जिला वतन किया गया। जी हाँ, गज सिंह जालिम सिंह को गिरफ्तार कराना चाहते थे, मगर अमर सिंह उनका मुकाबला करने पर आमादा हो गया। अमर सिंह ने जालिम सिंह की हिमायत आखिर किस वजह से की? सिर्फ इतनी सी बात थी आलीजा कि वो जालिम सिंह को हिफाजत का कौल दे चुका था। इतनी सी बात ही अमर सिंह की जाबाजी का सबूत है सलावत खां। वो बहादुर अपने कौल पर मर मिटना जानता है। जाओ, हमारे हुक्म की तामील हो और अमर सिंह को शाही दरबार में तलब किया जाए। उसके बावजूद भी आलीजा कि उसने एक ऐसे शख्स की हिमायत की है जिसे शाही कानून से करार दिया। इस बात का फैसला हम खुद अमर सिंह से मिलकर करें। जो हुक्म आलीजा। अच्छा लड़ाकू भतीजा मिला, जैसा बाप वैसा बेटा, जब देखो तलवार चलाने की सोचता है। राजपूत के बच्चों का खिलौना भी तलवार होती है चाचा। शाबाश बेटे। जालिम सिंह, राम सिंह को तलवारबाजी और घोड़सवारी सिखाना तुम्हारा काम। जो आ गया, अब चलो भतीजे। चलिए। चल आगे तू पहले। जीजा जी, बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया। किस लिए? सचमुच आप बड़े ही खुशकिस्मत, वो आपको शाही दरबार में ऊंचा ओहदा देना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अर्जुन सिंह, हम और शाही दरबार में नौकरी करेंगे। हमारी नजर में गुलामी मौत से भी बदतर। क्या कहते हो जीजा जी, इसमें गुलामी की क्या बात है? शाही दरबार में बहादुरों की बड़ी इज्जत होती है। अब सोच विचार ना कीजिए जीजा जी, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ये जालिम सिंह का हमारे साथ रहना कुछ ठीक नहीं। क्या मतलब? कानून की नजर में जालिम सिंह मुजरिम है। कहीं बादशाह सलामत तक ये खबर पहुंच गई कि उसे मेरे घर में पनाह मिली तो। अर्जुन सिंह, जालिम सिंह हमारे दोस्त हैं, जहां हम रहेंगे वो भी वहीं रहेंगे। लेकिन ये आपके लिए भी बुरा है जीजा जी, बादशाह सलामत आप पे मेहरबान है। ठीक है, कोई ऐसी बात होगी तो हम बादशाह सलामत से निपट लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जीजा जी मेरी एक सलाह जरूर मानिए, आप शाही दरबार जरूर चलिए। हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि हम क्या फैसला करें। फैसला तो आपको सोच के करना चाहिए, आपको तारा का विवाह भी करना है, उसके लिए मान प्रतिष्ठा संपत्ति सभी कुछ तो चाहिए। हाँ सचमुच, तारा के ब्याह हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बस तो आप दरबार में चलने की तैयारी कीजिए। अच्छा, लेकिन हमारे साथ जालिम सिंह भी दरबार चलेंगे। ईश्वर हमारे धर्म और मान की रक्षा करे। बापू, भोजन तैयार है, मामी ने सबको बुलाया है। अभी आते हैं बेटी। कुंवरी जी, खाना खा लो। ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। इस तरह खाना पीना छोड़कर क्या होगा? आप दिन रात अपने जी को जलाया करती हैं, ये मुझसे नहीं देखा जाता। जलना तो मेरे भाग्य में लिखा था, नहीं तो मिलकर भी युवराज मुझसे इतने दूर न हो जाते। आपके मन की ये तड़पन बेकार नहीं जाएगी कुंवरी जी, युवराज आपको जरूर मिल जाएंगे। कल शाम बापू हरि सिंह को युवराज का पता लगाने भेज रहे हैं। सच? हाँ,
और साथ में एक चिट्ठी भी दे रहे हैं ताकि पढ़कर युवराज फौरन जवाब दे दे। अमर सिंह, मां बदौलत और जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हें अपने वालिद महाराज गज सिंह से कोई शिकायत है? नहीं आलमपना, उन्होंने जो कुछ ठीक समझा वही किया, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। शाबाश, वालदेन की फरमा बरदारी ही सआदतमंदों का उसूल होता है। हम तुमसे बहुत खुश हुए, लेकिन अमर सिंह हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने डाकू जालिम सिंह की हिमायत आखिर क्यों की? आलीजा, इसीलिए मैं जालिम सिंह को लेकर आपसे दरख्वास्त करने आया था कि इन्हें माफी बख्श दी जाए। माफी? लेकिन इसने शाही खजाने लूटे हैं और गरीब रियाया को सताया है। मैं जालिम सिंह की हिमायत नहीं करूंगा आलीजा, मगर आपसे इल्तिजा करूंगा कि हकीकत जानने के लिए आप उन गांव के रियाया को बुलवाकर दरियाफ्त कीजिए जहां जालिम सिंह देवता की तरह पूजा जाता है। हमें तुम पर भरोसा है अमर सिंह। सलावत खान, जालिम सिंह की गिरफ्तारी का हुक्म रद्द कर दिया जाए। जो हुक्म आलीजा। अमर सिंह, मां बदौलत तुम्हें 5,000 सवारों की सिपहसालारी अता फरमाते हैं।
और इसके अलावा तुम्हारे रहने के लिए जमुना किनारे वाला नौ महला और नागौर का परगना जागीर में दिया जाता है। आलम पना ने इस राठौर राजपूत की जो कदर की है उसके बदले में ये राजपूती तलवार इस शहनशाह की हमेशा खिदमत करती रहेगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। शुक्रिया अलीजा। हम उनसे मिलना चाहते हैं। कहिए कैसे आना हुआ सलावत खान? बस यूं ही चला आया आपकी खैरियत दरियाफ्त के लिए। कहिए कैसे, आपको हर तरह का आराम तो है ना आगरे में? जी हाँ, भगवान की दया है। आइए बैठिए। बापू, बापू। वल्लाह ये खूबसूरत बच्ची आपकी है। क्या नाम है तुम्हारा? जी तारा। घर में जाओ बेटी। खुदा की कुदरत देखिए अमर सिंह जी, क्या क्या बेमिसाल नमूने कर देता है। किसी किसी चेहरे पर तो खुदा का नूर बरसता है। बेशक जान पड़ता है आपकी नजरों को खूबसूरती की अच्छी परख। अजी आपकी दुआ से इस मामले में हम चौहरी हैं चौहरी। कांच के टुकड़े और असली हीरे की पहचान एक ही नजर में कर लेते हैं। हमें यकीन है आप इन मामलों में काफी तजुर्बेकार हैं, इसलिए हम अपने निजी मामले में आपकी राय लेना चाहते हैं। कैसा मामला? यही खूबसूरती का मामला है। किसी का रूप हमारे आंखों में बस गया है, हम उन्हें अपना बनाने का इरादा करते हैं। वल्लाह कौन खुशकिस्मत है वो? वो है हाड़ा सरदार जोजार सिंह की बेटी चंद्रावती। अच्छा। हाँ सलावत खान, हाड़ा सरदार ने अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथों में सौंपना मंजूर कर लिया, मगर एक अजीब शर्त पेश की है जिसने हमें उलझन में डाल दिया। कैसी शर्त? हाड़ा सरदार ने बताया कि एक बदमाश ने उनकी बेटी को छेड़कर उनका अपमान किया और अपनी जान बचाकर भाग गया। ला हौल वला कुव्वत। कौन था वो मर्दूद जिसकी इतनी जरूरत हुई? वो अपनी ताकत के नशे में चूर एक कमीना इंसान था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजपूत अपने अपमान का बदला लिए बिना नहीं छोड़ता। हाँ हाँ, वो जमा मर्द ही क्या जो अपनी बेइज्जती को पी जाए। बस इसी मामले में आपकी राय लेनी है। यानी? यानी कि जिसने उनका अपमान किया है उसकी मौत हमारी तलवार से हो और हम वचन दे चुके हैं। आपकी क्या राय? हमारी राय यानी किस सिलसिले में? यही कि जो कमीना पराई बहु बेटियों की इज्जत पर हमला करे उसकी क्या सजा होनी चाहिए? सजाए मौत। शुक्रिया सलावत खान, आपने हमारी बहुत बड़ी उलझन को सुलझा दिया। हमने आपकी राय लेकर हमारे दिल को हल्का कर लिया। अच्छा अमर सिंह जी, आप इजाजत दीजिए। जाइएगा, फिर मुलाकात होगी। जरूर होगी जरूर। आदाब से। आदाब। अगर नेस नाबूद ना कर दिया अमर सिंह को तो हमारा नाम सलावत खान है। ऐसी क्या बात है हुजूर? अमर सिंह को बादशाह की सिपहसालारी क्या मिल गई? वो सलावत खान का मुकाबला करना चाहता है, हमारे सामने हमें धमकी देता है। लेकिन हम ऐसी चाल चलेंगे कि ना रहे अमर सिंह और ना रहे उसका वो कौन। अजी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का छोरवा। अगर आप चाहें तो अमर सिंह को बादशाह सलामत की नजर से यूं गिरा सकते हैं हुजूर। ऐसा ही होगा फजल। मलके आलम की खिदमत में गुलाम आदाब बजा लाता है। कैसे आना हुआ सलावत खान? मलके आलम, मैं आपसे कुछ खास गुफ्तगू करना चाहता हूं। क्या बात है? बात यह है मलके आलम कि मैं शाही खानदान का एक वफादार गुलाम होने की हैसियत से आपको आने वाले खतरे से आगाह कर देना अपना फर्ज समझता हूँ। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? मलके आलम को इस बात का इल्म है कि आली जाने अमर सिंह के कहने से डाकू जालिम सिंह को माफ कर दिया। गुस्ताखी माफ हो,
कहीं राय पर इस बात का गलत असर न पड़े कि जहाँ पना अमर सिंह को जरूरत से ज्यादा शक्ति रहा। जहाँ पना रियाया की किस्मत के मालिक हैं, वो जो फैसला करते हैं सोच समझ कर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मगर मुझे डर है कि अमर सिंह कहीं आलीजा की इस दरिया दिली का नाजायज फायदा ना उठाने लगे। तुम्हारा ऐसा सोचने की वजह? आलम पना की इतनी नजर इनायत पाकर कोई भी इंसान अपनी असलियत को भूल सकता है मलका आलम। सलावत खान, हमारी समझ में नहीं आता कि हमसे ये सब बातें कहने में तुम्हारा मकसद क्या है। आलीजा मलका आलम की बात कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मलका आलम चाहें तो आलीजा के कानों तक गुलाम की राय पहुंचा सकते। हम आलीजा के सियासत के मामलों में न दखल देते हैं न देना चाहते हैं। तुम जा सकते हो। जो हुक्म मलका आलम। हरी सिंह जी, क्या आप आज ही रामगढ़ वापस जाना चाहते हैं? जी हाँ, आपका उत्तर मिलते ही। निर्भय, तुम आज ही नहीं इसी वक्त इनके साथ रामगढ़ जाओ और हाड़ी जी को इज्जत के साथ डोले में यहाँ ले आना। तारा के देखभाल के लिए उनका यहाँ आना लाजमी। युवराज जी, अगर आप खुद चलते तो ठीक था। नहीं नहीं, तुम ही जाओ, मैं यहाँ उनके स्वागत के लिए तैयारियां शुरू करवा देता हूँ, ताकि नौ महले में कदम रखते ही उनकी ये शिकायत दूर हो जाए कि हम उन्हें भूल गए। हाड़ा सरदार को हमारा जोहार कह दीजिए। जो आ गया, चलिए। वीर पिता की वीर कुमारी लाड प्यार से थी जो पली, बाबुल का घर छोड़ के हाड़ी अब अपने ससुराल चली। ये कटार की धार किसी के गर्म खून की है प्यासी, याद दिलाने अमर प्रतिज्ञा चली अमर की ये दासी। चिनगारी अब सुलग उठी, चिनगारी अब सुलग उठी है नारी के अपमान की। हम तुम्हें सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान की, जय जय राजस्थान, जय भारत की शान, जय जय राजस्थान, जय भारत की शान।
जाए रे मोरी अर्जी सुनो कंवर जी, ओ मोरी अर्जी सुनो कंवर जी। गोरी 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 चांदनी चमा चम चम के ऐसे में क्यों जी शर्म आए दे हो भरम जाए दे तोरी बतिया बताओ गोरी जी हो तोरी बतिया बताओ गोरी जी। जाने अपने मन की तुझसे नजर मिलाऊं रे मिलाऊं रे मिलाऊं रे हो। प्यास बुझाने अपने मन की तुझसे नजर मिलाऊं रे तुम हो या भी मैं लजवंती नजर मिले तो मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं रे हो नजर मिले तो मर जाऊं रे। अजी छोड़ो ये बक झक हम गए थक 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 जिया कर थक थक अखियां हमारी अटक जाए रे हो भटक जाए रे मोरी अर्जी सुनो कंवर जी ओ मोरी अर्जी सुनो कंवर जी। गोरी घूंघट अपना हटाना हो घूंघट अपना हटाना हो घूंघट में जुल्म में क्या छुपा है तेरा कोई खजाना हो तेरा कोई खजाना। अजी खोलो जी झटपट घूंघट का ये पट जाओ जी नट खट ताहे की ये खटपट दुल्हनिया तेरी मचल जाए रे हो बदल जाए रे मोरी अर्जी सुनो कंवर जी ओ मोरी अर्जी सुनो कंवर जी। चोरी 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 मत देखो जी कंवर जी हमको नहीं गोड़ी शर्म आए रे हो परम जाए रे मोरी अर्जी सुनो कंवर जी ओ मोरी अर्जी सुनो कंवर जी। अच्छा तो हम समझे कुछ ही दिन तुमसे दूर रहना पड़ा लेकिन ऐसे मालूम होता है जैसे युग बीत गए। चंद्रा तुमने लिखा था जो प्रेम की जोत जलाई थी वो जुगनू की चमक तो नहीं थी तो क्या हमारे शब्दों पर तुम्हें विश्वास नहीं था। सितारों की इस चमकती हुई दुनिया में ये चांद बादलों में कब तक छुपा रहेगा।
इस खुशी के समय क्यों तुम्हें हमारी सोच बताओ चंद। नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। फिर ये उदासी क्यों? जो कुछ तुम्हारे दिल में कहो। स्वामी ये सलामत खान यहाँ क्यों आया? सलामत वो तो हमारा मेहमान बनकर यहाँ आया था। मेहमान और वो भी हमारा। एक राठौर राजपूत जिस तरह अपनी दुश्मनी नहीं भूलता उसी तरह अपना कौल भी नहीं भूलता। ये लीजिए हमारी कटार। याद वचन जब आए तो उसने दुल्हन से मुखड़ा मोड़ लिया। प्रथम रात के प्रथम मिलन पर प्यार का बंधन तोड़ दिया। सेज सजी है रात मिलन की पर एक काम अधूरा। छोड़ी सेज अमर ने जब तक वचन न होवे पूरा। आलम बना गुलाम की राय में तो कंधार के किले को फतेह करने की जिम्मेदारी अमर सिंह को ही सौंपी जानी चाहिए। ऐसी भी क्या कयामत आ गई है? कंधार के किले को फतेह करना कौन सा मुश्किल काम है? तुम भी तो जा सकते हो। मैं आलिशा जी वजीर आजम का भी यही ख्याल था। जी हाँ आलम बना कंधार का मसला जरा पेचीदा हो चुका है और उसे हल करने के लिए सबसे बहादुर और तजुर्बेकार सिपह सालार की जरूरत है। और आलिजा मुझसे कहीं ज्यादा अमर सिंह तजुर्बेकार है, वरना आलिजा मैं तो अपनी जान की बाजी खुशी से लगा देता। हम जब भी किसी उलझन में पड़ जाते हैं तो हमेशा तुम ही हमें रोशनी दिखाती हो माहिरू। यह आपका सियासती मामला है आलिजा, मैं क्या कह सकती हूँ। अपनी राय के मुताबिक कुछ तो सलाह दे सकती हो। यूं तो हिंदुस्तान के शहंशाह को सलाह देना एक हिमाकत होगी, मगर अमर सिंह की बहादुरी की तारीफ बहुत सुनी है, इसलिए दिल में इश्तियाक जरूर है कि एक बार उसे अपनी बहादुरी दिखाने का मौका दिया जाए। बहुत खूब माहिरू, तुमने बड़ी खूबसूरती से फैसला किया। अब हम अमर सिंह ही को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। महाराज दीवाने खास से अभी खबर आई है, बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया है। इतनी रात गए? जी हाँ। अच्छा कह दो कि हम पहुंचते हैं और हाँ हमारी सवारी का इंतजाम कर दो। आलम पना ने मुझे याद फरमाया। आओ अमर सिंह, माँ बदौलत तुम्हें अपनी बहादुरी की आजमाइश का एक मौका देना चाहते हैं। हुक्म कीजिए, राजपूतों की बहादुरी की सही आजमाइश तो मैदान जंग में होती है। आलमपना इसीलिए कंधार के किले को फतह करने के लिए जो फौज कल यहाँ से रवाना हो रही है उसके साथ तुम्हें जाना होगा। हमें तुम्हारी बहादुरी पे इत्मीनान है, उम्मीद है कि तुम हमारे इत्मीनान को गर्दन झुकाने का मौका न दोगे। हार जीत तो किस्मत का खेल है आलिजा, लेकिन अमर सिंह अपनी जान देकर भी शाही ताकत की शान बढ़ाने में हर मुमकिन कोशिश करेगा। तुम जैसे जांबाज से मां बदौलत को यही उम्मीद थी। अफसोस सिर्फ इस बात का है आलिजा कि शादी करने के फौरन ही बाद फर्ज अमर सिंह जी को जंग पर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं तहे दिल से दुआ करूंगा कि आप जंग से सही सलामत वापस आ जाएं और आपको कामयाबी हासिल हो। कामयाबी हासिल होती नहीं सलावत खान, हासिल की जाती है। और बहादुर राजपूत जान बचाने की दुआ मांग कर नहीं जान की बाजी लगाकर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। शाबाश अमर सिंह, तुम कल सुबह होते ही फौज लेकर यहाँ से कूच कर दो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ। जो हुक्म आ लीजिए। जय अम्बे जय जय जगदम्बे। जय अम्बे जय जय जगदम्बे। जय अम्बे जय जय जगदम्बे। जय अम्बे जय
जय जगदम्बे चारों तरफ पुकार हुई। वीरों ने केसरिया पहने जबरन की ललकार हुई, जबरन की ललकार हुई। शत्रानी हाड़ी रानी के झांझर की झनकार हुई, झांझर की झनकार हुई। सज सोले सिंगार विदा करने पति को तैयार हुई। होठों पे मुस्कान लिए पलकों में छुपा के पानी, विदा कर रही हंसते हंसते पति को राजपुतानी। जाओ वीर जाओ वीर के दिमाग की दाद दो, जिसने अमर सिंह को कंधार की खतरनाक जंग में भिजवा दिया। अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है, हमें अपनी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। मंजिल? हुजूर कौन सी मंजिल? वही चौदहवीं का चांद, नौ महीने के आसमान पर चमकने वाली चंद्रा और तारा। हुजूर का ख्याल बिल्कुल सही है, यही मौका है। दुनिया की कोई ताकत अमर सिंह को मौत के हल्के से नहीं बचा सकती, और इस वक्त नौ महले के अंदर कोई नहीं जो सलामत खां को रोक सके। अब दिल में लगी हुई ये पुरानी आग बुझा देना चाहिए। फाटक खोल दो। माफ कीजिए, किसी को भी महल में आने की इजाजत नहीं है। क्या बात है चाचा? कुछ नहीं बेटा, मीर बख्शी सलामत खां महल के अंदर आना चाहते हैं। क्यों, क्या काम है आप? हम तुम लोगों की खैरियत पूछने आए हैं। हम सब मजे में हैं, आपने खामखा तकलीफ की, क्यों बेटा? कोई बात नहीं, हमें अंदर आने दो। अमर सिंह की गैर हाजिरी में यहाँ की खबर लेना हमारा फर्ज। कह तो दिया सब खैरियत है, आप जा सकते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा, इखलाक तो होता ही नहीं तुम लोगों में। क्या कहा? इमरान सिंह खलावत, अपने अल्फाज वापस लो वरना आप। खलावत खा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अमर सिंह के बेटे हो इसलिए तुम्हें माफ किए देता हूँ। अगर जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। तुमने सलामत खां को छेड़ा है, अब अंजाम के लिए तैयार रहना। चले जाओ यहाँ से। अच्छा। हाँ हाँ। बेटा, और तुम्हारे पिताजी भी यहाँ नहीं है। मगर हम लोग तो हैं, आप चिंता में करें। चिंता मुझे केवल तारा की ही जानिब से। सलावत खान जैसा शैतान न जाने क्या बखेड़ा कर दे। मैं सोचती हूँ तुम्हारे युवराज के आने से पहले ही तारा का सबूत पक्का कर दो,
लेकिन संबंध के लिए सोचना पड़ेगा हाजी जी। मैंने सोच लिया है, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के कुंवर राज सिंह के हाथों में तारा को सौंपना चाहती है। सचमुच मेवाड़ से अच्छा संबंध और कहां मिलेगा। आज ही पुरोहित जी को सगाई का नारियल लेकर रवाना कर दो और उनसे कहो कि वो जल्द से जल्द संदेशा लेकर वापस आए। जहाँ पना सिपह सालार अमर सिंह राठौर ने कंधार के किले पर फतह पा ली और वो मैं फौज के आगरा वापिस आने के लिए रवाना हो चुके हैं। जाओ वजीर आजम से कहो कि अमर सिंह और शाही फौज की वापसी पर उनके इस्तकबाल के लिए शानदार इंतजाम किया जाए। जो हुक्म आली जा। बापू बेटे, बापू बापू जंग में मुझे 15-20 सिपाहियों ने घेर लिया। मैंने भी अपनी तलवार निकाली, अपनी तलवार निकाली, तलवार को वो घुमाया, वो घुमाया, वो घुमाया, बाद में ऐसा मालूम हुआ कि मैंने उन्हें घेर लिया। आगे सुनो, आगे सुनो। फिर एक सिपाही ने अपनी तलवार से मेरी गर्दन पर वार किया। मैंने सोचा कि अगर मेरी मुंडी कट गई तो तुमसे शादी कौन करेगा। बस उसके वार को मैंने बाएं हाथ पर नहीं, दाएं हाथ पर रोका। यह हाथ तो अच्छा भला नहीं, ये कटा है, ये। अरे ठाकुर होते हुए झूठ बोलते हो, निर्लज्ज शर्म नहीं आती। अरे सुनो 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 सुनो, क्या है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्रेम है। हाय हाय, तो बहुत कुछ ठाकुर, पर तुमने हमें बना इसकी सब खत्म। पर सुनो सुनो सुनो, क्या है। क्या तुम अपना वो वायदा भूल गई जब तुमने कहा था कि जब तुम कुरुक्षेत्र नहीं रण क्षेत्र से वापस आओगे तो मैं तुम्हारे साथ ब्याह करूंगी। ये मुआ मसूर की दाल। अरे ठाकुर हमको फालतू नहीं कि तुम जैसे गले पड़ू से ब्याह करे, जा। मैं गले पड़ू नहीं हूँ ठाकुरानी, ठाकुरानी मैं गले पड़ू नहीं रहा, ठाकुरानी चली गई। हमने तुम्हारी कामयाबी की खुशी मनाने के लिए शाही जलसे का इंतजाम किया है। कंदहार के किले पर फतह हासिल करके तुमने हमारी शान में इजाफा किया है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया अलीजा, ये आपकी जरा नवाजी है कि आप मुझे इतनी इज्जत बख्श रहे हैं। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल हो अमर सिंह जी। शुक्रिया सलावत खान। इस कामयाबी में तुम्हारा भी हिस्सा है सलावत खान, अमर सिंह के भेजने का इंतहा तुम ही ने तो किया था। वाकई अमर सिंह के अलावा कंदहार के किले पर फतह पाना मुश्किल काम था। मां बदौलत तुम्हारी दूरंदेशी की दाद देते हैं। रक्स शुरू किया जाए। Beep!
Thank you.
महाराज कर्ण सिंह के राज के सरहद पर गिरोह भेजते रहो, मगर याद रहे फजल खान कि किसी को मालूम ना होने पाए कि वो हमारे आदमी है। मगर हुजूर ऐसा क्यों? अमर सिंह और महाराज कर्ण सिंह के आदमियों में मुठभेड़ हुई थी, ये हमें मालूम हो चुका है, और हम इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि अमर सिंह हमारे चंगुल से कैसे बच सकता है। इधर कुछ दिनों से हमारे राज्य की सरहद पर हमले और लूटमार की वारदातें हुई हैं, मगर ठीक ठीक पता नहीं चला कि हमला करने वाले कौन लोग हैं। मैंने अर्ज किया ना महाराज कि अमर सिंह के आदमियों के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। आलीजा की मेहरबानियों ने उनके दिमाग को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। मेरी राय में तो सांप को सर उठाने से पहले ही कुचल दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि आपकी रियासत बीकानेर भी नागौर में मिला दी जाए। तो अमर सिंह की नजर हमारी रियासत पर है? हाँ महाराज, इसे बचाने के लिए आपका कदम फौरन उठना चाहिए। ये बात है तो हम आजही शहंशाह के हुजूर में दरखास्त भेजते हैं। दुरुस्त है, मैं वापस पहुंचकर आलीजा से इंसाफ की इल्तिजा करूंगा। ठीक है सलावत खान, तुमने बड़ा एहसान किया। शर्मिंदा न कीजिए महाराज, मैंने तो अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया है। अच्छा अब मैं इजाजत चाहता हूँ, आदाब। आलम पना, बीकानेर के महाराज कर्ण सिंह की दरख्वास्त हुजूर आलिया में दरपेश। कैसी दरख्वास्त? आलीजा, महाराज कर्ण सिंह जहां पनाह की खिदमत में अर्ज करते हैं कि नागौर के राव राजा अमर सिंह के सिपाही हमारी सरहद में बदअमनी फैलाते हैं, चोरी डाके झगड़े और आगजनी से बीकानेर की रियाया का अमन खतरे में पड़ गया है। कई बार हमारी तरफ से अमर सिंह जी को लिखा गया मगर कोई असर नहीं हुआ। सलावत खान, क्या ये हकीकत है? बेशक आलीजा, अमर सिंह राठौर आलीजा की मेहरबानियों का बहुत नाजायज फायदा उठाने लगे। सलावत खान, माँ बतौलत आंखों पर पट्टी बांध के इंसाफ करने के आदी नहीं, सबसे पहले किसी को मौके पर भेजकर उसकी तहकीकात कराई जाए। आलीजा, गुलाम खुद जाकर हकीकत का पता लगाएगा। ठीक है, हकीकत मालूम होने के बाद ही हम इस दरख्वास्त का फैसला करेंगे, लिहाजा ये मुकदमा हमारे सामने अगले पीर को फरीकैन की हाजिरी में पेश किया जाए। जो हुक्म आ महाराज। हाँ चंद्रा। पुरोहित जी मेवाड़ से खुशखबर लेकर आ गए हैं, उन्होंने तारा की सगाई का नारियल स्वीकार कर लिया है और कहा है कि विवाह या तो नागौर या जोधपुर में होगा, आगरा में नहीं। क्यों? उदयपुर के लोग आगरा आने में अपना अपमान समझते हैं। उदयपुर का राजवंश अभी तक अपनी आन पर कायम है? हाँ स्वामी, महाराणा प्रताप की गर्जना आज भी वहाँ के घरों में गूंज रही है। बापू, क्या बात है बेटा? वो बदमाश सलावत खान आपके खिलाफ बादशाह के कान भर रहा था। हम जानते हैं बेटा, वो नीच सलावत खान अपने कमीनेपन से बाज नहीं आएगा। चंद्रा, पुरोहित जी के लिए भोजन का प्रबंध करो। आलम बना, मुकदमे के फरीकैन हाजिर हैं और मौके पर इसकी तहकीकात भी हो चुकी है। माँ बदौलत, मुकदमे का फैसला करने से पहले अमर सिंह से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये सब सच है? आलम बना, आपके हुजूर में जो कुछ बयान किया गया वो सच है, लेकिन लेकिन क्या? छेड़छाड़ पहले बीकानेर से हुई, जब मेरे आदमी ने मुझे इतला दी कि बीकानेर के सिपाही हमारी सरहद पर बसी यूरिया को तंग करते हैं, तो मैंने भी हुक्म दिया कि वो हर तरह से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कानून को अपनी जागीर समझा। सलावत खान, तुम्हारी तहकीकात का क्या नतीजा है, बयान करो। आलम बना, इस मामले में बीकानेर के महाराज का कोई कसूर नहीं, ये सारा फसाद और शरारत इन्हीं की है। इन्हीं के आदमियों ने बीकानेर की सरहद पर रहने वाली राय को लूटा, उनके मकानात चलाए और उस हलके में बदअमनी पैदा की। अपनी जबान को झूठ के गुनाहों से नापाक न करो सलावत खान, तहकीकात के वक्त तुमने वहां क्या क्या किया है वह सब मुझे मालूम है। तुमने मेरे खिलाफ झूठ छा देते तैयार किया है, मगर याद रखो अमर सिंह को छेड़कर तुम जिंदा नहीं रह सकते। अमर सिंह, ये न भूलो कि तुम शाही दरबार में खड़े हो और तुम पर मुकदमा चल रहा है। कानून के सामने सर झुकाने के बदले तुम सीना तानने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुल्ज़िम हो, मुनसिफ नहीं। लेकिन आपका ये मुंह लगा बख्शी इंसाफ की आंखों में धूल झोंक रहा है, मुनसिफ को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।
खामोश। कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला मां बदौलत खुद करेंगे। और वो फैसला क्या होगा, इस बात को अमर सिंह अच्छी तरह जानता है। आज इस खड़े दरबार में मुझे मुलजिम ठहराकर इंसाफ का ढोल पीटा जा रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ आलीजा, कि आपके दीवाने आम की बुनियाद इंसाफ पर रखी गई थी? क्या आपके किले के छोटा सा छोटा पत्थर भी इस बात का गवाही दे सकता है कोई इंसाफ के उसूलों पर खड़ा है? क्या आपकी सल्तनत की ऊंची ऊंची इमारतें इस बात को पुकार के कह सकती हैं कि उनकी बुनियाद में अमन और चैन का खून नहीं बह गया? तुम अपनी ताकत के जोश में आकर शाही इंसाफ की तोहीन कर रहे हो। जहां बना आज तक इंसाफ के उसूलों पर ही बादशाह बने और सल्तनतें कायम हुई। अगर इस सल्तनत का हमारे कौम ने साथ न दिया होता तो ना आप बादशाह होते, ना आपकी बादशाहत होती, ना मैं मुलजिम होता, ना आप मुनसिफ होते। बस अमर सिंह, मां बदौलत अब इससे ज्यादा नहीं सुन सकेंगे। जहां पना जब इंसान को नाजायज तौर पर दबाने की कोशिश की जाती है वह लिहाज और अदब की सारी बंदिशों को तोड़ देता है। अमर सिंह, तुमने ताकत के सौम में शाही कानून की तोहीन की है, हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। ये तुम्हारा दूसरा जुर्म है और इसकी सजा तुम्हें अभी और इसी वक्त दी जाएगी। दरबार के उसूलों को तोड़कर तुमने शाही इंसाफ का मजाक उड़ाया है और हुकूमत की शान में गुस्ताखी की है। मां बदौलत तुम पर 1,00,000 मोहर जुर्माना करते हैं और जब तक ये जुर्माना शाही खजाने में जमा ना हो जाए, जुर्माने की रकम में हर रोज 1,00,000 मोहर का इजाफा होता रहेगा। करण सिंह, सरहद के मामले में एक अमीन मुकर्रर कर दिया जाएगा, तुम इत्मीनान रखो। शुक्रिया आलीजा। अमर सिंह, 9 महला आज से शाही अमल में लिया जाता है। शुक्रिया आलीजा। एक लाख मोहर जुर्माना, ये इनाम मिला है हमें कंधार के फतेह का, जो भरे दरबार में नीचा देखना पड़ा। ये सब उस कमीने सलावत खान की लगाई हुई आग, अब इस आग को हमारे दिल की आग ही बुझाएगी जो भड़क उठी है। तो क्या आपने बादशाह से टक्कर लेने का फैसला कर लिया है? हाँ, हम आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। जब एक राजपूत मरने की ठान कर केसरिया पहन लेता है तो किसी के सामने नहीं झुकता। निर्भय, आज से शाही दरबार का कोई भी आदमी 9 महल में कदम न रखने पाए। मेरी एक विनती सुनिए, आप कुछ दिन के लिए शांत हो जाइए, तारा के हाथ पीले हो जाने दीजिए। लेकिन इतने समय का है, न जाने कब और क्या हो जाएगा। तो फिर आप इसी वक्त जालिम सिंह को उदयपुर भेज दीजिए और उनसे कहिए कि वापसी के समय सावधानी से आगरा में कदम रखे। तुम्हारा कहना ठीक है, हम अभी जालिम सिंह को उदयपुर रवाना किए देते हैं। रात सोने के लिए बनी है आलीजा, ना कि ख्यालों में डूबे रहने के लिए। आखिर आप किस परेशानी में मुब्तिला हैं? वही अमर सिंह का मामला हमें परेशान कर रहा है, उसकी गुस्ताखी से मजबूर होकर हमें उस पर जुर्माना करना पड़ा। तो इसमें परेशानी किस बात की है, जो भी गुस्ताखी करे उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हुकूमत की बुनियाद पुख्ता करने के लिए रहम और अखलाक की जरूरत होती है माहिरू। सख्ती और तलवार के जोर से हम लोगों को दबा तो सकते हैं लेकिन उनके दिलों को नहीं जीत सकते। तो क्या आलीजा अमर सिंह को माफ कर देना चाहते हैं? यही तो फैसला नहीं कर पा रहे हैं हम। अमर सिंह हुकूमत का एक बाजू है, हम नहीं चाहते कि वो बाजू टूट जाए। या अमर सिंह के दिल में वफादारी के बदले बगावत जगह बना ले। तुम्हारे 1,00,000 मोहर जुर्माना। तुम अपनी ताकत के जोश में आकर शाही इंसाफ की तोहीन कर रहे हो। जब तक ये जुर्माना शाही खजाने में जमा ना हो जाए, जुर्माने की रकम में हर रोज 1,00,000 मोहर का इजाफा होता रहेगा। हम ये जुर्माना हर किसी सजा नहीं करेंगे। अगर इस सल्तनत का हमारे काम ने साथ न दिया होता तो ना आप बादशाह होते, ना आपकी बादशाहत होती, ना मैं मुलजिम होता, ना आप मुनसिफ होते। सब उस कमीने सलावत खान की लगाई हुई आग। हाँ, हम आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। जब एक राजपूत मरने की ठान कर केसरिया पहन लेता है तो किसी के सामने नहीं झुकता। तुम मुलजिम हो मुनसिफ नहीं, तुम मुलजिम हो मुनसिफ नहीं, तुम मुलजिम हो मुनसिफ नहीं। झूठ है, यह सब झूठ है। और हम किसी के गुलाम नहीं, गुलामी से मौत अच्छी। आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ बेटी, पर तुम अभी तक क्यों नहीं सोई? मुझे भी नींद नहीं आ रही। बापू, मैं जानती हूँ आपके परेशानी का कारण मैं हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेटी? मैं बच्ची तो नहीं रही बापू,
जो इतना भी नहीं समझो कि मेरे विवाह की चिंता ने आपके हाथ रोक दिए। पगली गई, जा सो जा। नहीं बाप, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरी चिंता छोड़कर अपने अपमान का बदला जरूर लीजिए। नहीं तो लोग कहेंगे बेटी की मुंह आपकी तलवार को रोक दिया। ऐसा कोई नहीं कहता बेटी, सब जानते हैं कि जब अमर सिंह राठौड़ की तलवार यहाँ से निकलती है तो विजय पाकर ही रहती। तुम परेशान क्यों होती हो बेटी, जा सो जा। नहीं जानती कि शहंशाह से अपनी गड़बड़ हो चुकी है। अरे भगवान जाने कब वो अपने को फांसी के तख्ते पर लटका दे। हाँ, मैंने अपना सामान बांध लिया है, तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से भागने की तैयारी करो। धिक्कार है तुम पर, मुझे नहीं मानता कि तुम ऐसे कायर हो। कायर? अरे मैं गले पड़ू ठाकुर निर्भय सिंह हूँ। हाँ, मैं तो यमदूत से भी नहीं डरता। अरे तो फिर बादशाह सलामत से क्यों डरते हो? अरे इसलिए कि वो अपना अन्नदाता है। शर्म करो ठाकुर, शर्म करो, तुम्हारा अन्नदाता अमर सिंह राठौड़ है। अरे छतरी की तरह तलवार निकाल के उसे मुकाबला करो, और अगर नहीं लड़ सकते तो लो ये चूड़ियां भी दोनों हाथों में पहन लो। चूड़ियां? चूड़ियां ठकुरानी, ये चूड़ियां तुम्हारी कलाई के लिए है, मेरी कलाई के लिए नहीं। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, सचमुच ये चूड़ियां मुझे पहननी चाहिए। नहीं, तुम्हें पहननी चाहिए। हट जाओ, हट जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा ही सिर कर दूंगा। हट जाओ। ए शक्ति महाराज, रास्ता उधर है, जाओ। एक राजपूत का खोलता हुआ खून दुश्मन का खून भाकर ही ठंडा होता है। महाराज, मुझे डर है तारा के हाथ पीले होने से पहले कहीं आप लड़ाई की घोषणा न कर बैठे। मेरी एक बात मानेंगे? कहो चंद्र। आप निर्भय को लेकर कहीं शिकार पे चले जाएं। शिकार? हाँ। ऐसी हालत में हम नौ महलों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप उसकी चिंता न कीजिए, आपकी गैरहाजिरी में फाटक हमेशा बंद रहेगा। मैं निर्भय को आपके साथ जाने के लिए कह देती हूँ। माने की रकम अदा की है और न वो दरबार में हाजिर हुआ। अमर सिंह के ना सकने की कोई वजह होगी। आलीजा, शाही हुक्म की तामील न करने की तो कोई वजह नहीं हो सकती। हो सकता है कोई मजबूरी हो। मजबूरी यही है आलीजा कि अमर सिंह शाही कानून को नजरअंदाज करके शिकार पे चला गया। गुस्ताखी माफ हो आलीजा, अमर सिंह की इस लापरवाही के खिलाफ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दरबारे शाही के सभी लोग। ठीक है, अमर सिंह को शिकार से वापस आ जाने। आलीजा, वजीर आजम और खास से पैसालार इसी सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। उनसे कह दो हम बाद में मिलेंगे, अभी हमें परेशान ना किया जाए। तुम जा सकते हो। जो हुक्म आलीजा। युवराज, क्या बात है? आज का दिन कुछ अच्छा नहीं। क्यों? अजी सारा जंगल छान मारा, शेर तो क्या, कोई चूहे का बच्चा भी नजर नहीं आया। क्या बात? हाँ सर, यार ना। चलो चलिए। वो देखिए यार ना, यार ना। निर्भय, ये कौन है? पोशाक से तो बादशाह का आदमी मालूम होता है। निर्भय, जाओ जल्दी से पानी लिया। युवराज, इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो। हमारी जरूरत से ज्यादा इसकी जरूरत है, कहीं ये दम न तोड़ दे। जाओ जल्दी पानी लिया। जो आ गया। निर्भय, जल्दी करो। राजकुमार मरने भी दीजिए, अपना दुश्मन तो कम होगा। कैसी बात कर रहे हो निर्भय? प्यास से तड़पते हो, आदमी को पानी पिलाना हमारे धर्म है, जल्दी करो चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो। जो आ गया। लो भाई, लो भाई। मैं आगरे के किले बुखारा फाटक का हवलदार हूँ। रिश्तेदारी में गया था, न जाने लौटते वक्त मेरा घोड़ा कैसे भड़क गया, मुझे यहाँ गिराकर भाग गए। घुटनों में सख्त चोट आई है, प्यास के मारे गला खुश्क हो रहा था। अगर आप पानी न पिलाते तो मैं मर जाता। जमीन, आसमान, हवा, पानी, इन पर तो सभी का बराबर का हक है। हमने तो सिर्फ एक इंसान का फर्ज अदा किया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नौशेरबाज। अगर मैं पठान की औलाद हूँ
तो आपके पानी की एक एक कतरे की कीमत अदा करूंगा। जहां आपका पसीना गिरेगा मैं अपना खून बहाऊंगा। राव जी, आपका यह एहसान मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। किसी की जान को बचाना राजपूत एहसान करना नहीं समझते नौशेरबाज, न इस एहसान के बदले की उम्मीद करते। ये आपका बड़ापन है राव जी, फिर भी अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा। निर्भय, इनकी मदद करो, चलो इन्हें शहर तक पहुंचा दें। अगर अमर सिंह से जुर्माना न वसूल किया गया या आपने उसे माफ कर दिया तो रियाया यही सोचेगी कि शाही कानून की कोई वक्त नहीं। माहिरू, कम से कम तुम तो हमारी परेशानियों में इजाफा न करो। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि सलावत खां के साथ साथ और भी हुक्मरान अमर सिंह की बहादुरी और उसके रुतबे को देखकर जलते हैं। उन्हें यह अच्छा मौका मिल गया है ताकि वो हमसे इसी बहाने अमर सिंह को अलग करवा सके। लेकिन आलिजा, आपने तो अमर सिंह को उसकी गुस्ताखी की सजा दी है। उसका जुर्माना अदा ना करना सरासर बेजा है, बगावत है। तुम ठीक कहती हो, मगर हम तो इसलिए परेशान हैं कि बगावत की ये जरा सी चिंगारी अगर आग बनकर सारे राजपुताने में भड़क उठती तो क्या अंजाम होगा। आज एक हफ्ता पूरा हो गया, क्या हम लोग जान सकते हैं कि हमें अमर सिंह से जुर्माना वसूल करने या उसकी गैर हाजिरी की वजह तलब करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती। इसलिए कि वो बड़ा खुददार है, उस पर दबाव डालने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। जिले सुभानी की इन्हीं मेहरबानियों ने तो अमर सिंह को इतना गुस्ताख बना दिया। वजीर आजम, हम फिर कहते हैं कि खामखा हमें भड़काने की कोशिश न की जाए। आलम बना, हम लोग आपके खैर ख्वाह हैं और इसीलिए आज आपके हुजूर में आए हैं कि अमर सिंह के मसले को लेकर लोग आपकी शान में इस किस्म के अल्फाज निकालने लगे जिसे हम दोहरा भी नहीं सकते। क्या कहते हैं लोग? गुस्ताख माफ हो, कहते हैं कि बादशाह सलामत अमर सिंह के खौफ से डरकर ही खामोश बैठे। सलामत खां, आलीजा, मैंने जो कुछ सुना है वही कह रहा हूं। आलीजा, अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो जाओ, मां बदौलत अमर सिंह का जुर्माना वसूल करने की जिम्मेदारी भी तुम्ही को सौंपते हैं। अगर तुम कामयाब हुए तो हम अमर सिंह का ओहदा भी तुम्हें दे देंगे। हम भी देखें तुम्हारी अकलमंदी और बहादुरी कहां तक काम करती है। जो अगर मैंने अमर सिंह से जुर्माना वसूल करके शाही खजाने में जमा करा दिया तो मैं आलीजा को अपनी सूरत तक न दिखाऊंगा। मुझे सिर्फ आलीजा के हुक्म का शाही परवाना दे दिया जाए। मिल जाएगा। वाटा खोल दिया जाए, हम शाही फरमान लेकर आए हैं। हम महाराज को खबर करते हैं। महाराज को खबर कर दो। वाटा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या बात है सलावत खान? हम तुमसे जुर्माना वसूल करने आए हैं। तुम मालूम होता है जिंदगी से तंग आ गए हो, वरना अमर सिंह राठौर के महल में जबरदस्ती घुसने का ख्वाब नहीं देखते। ख्वाब तो तुम देख रहे हो, अब जरा हकीकत का सामना करो। जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। सलावत खान, चट्टान से टक्कर लेने की कोशिश न करो। इन धमकियों का सलामत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या बेगनों की तरह छिपकर बातें कर रहे हो अमर सिंह जी? जरा नीचे आकर बात करो। हम आखिरी बार कहते हैं सलावत, चले जाओ यहाँ से, वरना हमारी तलवार अगर म्यान से बाहर आ गई तुम्हारी गर्दन उड़ाकर ही वापस जाएगी। अगर चाहो तो खून खराबा किए बिना जुर्माना माफ किया जा सकता है। क्या मतलब? यही कि अमर सिंह राठौर हमेशा के लिए हमारे साथ रिश्ता कायम कर ले। अपनी बेटी की सलामत खान। Thank you.
शाही फरमान की और आपकी शान में अमर सिंह ने जो गुस्ताखी की बयान नहीं कर सकता आलीजा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आज के खिदमत में वापस आ सका। इसी बूते पर तुमने कहा था कि अगर अमर सिंह से जुर्माना वसूल न किया तो माँ बदौलत को अपनी सूरत ना दिखाओगे। गुस्ताखी माफ हो आलीजा, मैं चले का दरवाजा बंद कर दो, ये जिंदा निकल के जाने ना पाए। अमर सिंह को नहीं आलम पना, वो किले की दीवार से कूद कर अछूता ही बच गया। क्या कहा, इतनी ऊंची दीवार तन गए? हाँ आलम पना, उसके घोड़े ने एक ही उड़ान से किले की दीवार पार कर दी और फिर वो गिरते ही मर गया। और अमर सिंह? वो दूसरे घोड़े पर बैठकर चला गया, उसके आदमी आ पहुंचे थे। हमारे सिपाहियों ने उसका पीछा नहीं किया? किया था आलीजा, लेकिन उसके सिपाहियों ने उन्हें रोक दिया। किले के बाहर भयानक मारकाट हो रही है। वजीर आजम, इस लड़ाई को फौरन रोक दिया जाए। क्यों आलीजा? हम नहीं चाहते कि एक बागी के पीछे हजारों बेगुनाहों का खून बहाया जाए। तो क्या अमर सिंह और उनके साथियों को बेदाग छोड़ दिया जाएगा आलीजा? नहीं वजीर आजम, अभी शेर को अपनी मान में गाफिल रहने दो और आज रात को काफी तैयारी के साथ नौ महिला को घेर लो ताकि जंग की चिंगारी वहीं तक महदूद रहे। जाओ। जो हुक्म आलीजा। सलावत मारा गया। सलावत मारा गया? हाँ चंद्रा, हमने भरे दरबार में उसको मौत की घाट उतार कर अपना वचन पूरा कर दिया। मुझे विश्वास था, लेकिन अब क्या होगा? मुकाबला। हमने जो आग लगाई है उसके शोले यहाँ तक पहुँचने में अब देर न लगे। आप चिंता न कीजिए, जनाने बाग में जौहर की चिता भी तैयार है। विदाई की घड़ी अभी दूर है चंद्रा, हमने अपना वचन पूरा करने के बाद आज ही तो हमने तुम्हें पत्नी के रूप में पाया है। आज की रात शादी की पहली और शायद आखिरी रात होगी। ऐसा न कहिए महाराज। जाओ चंद्रा, उस कमरे को उसी तरह सजाओ जिस तरह उस दिन तुमने सजाया था। जाओ चंद्रा। आली जा, फौज रवाना होने के लिए तैयार है, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। इजाजत है। हाँ सुनो वजीर आजम, अमर सिंह के साले अर्जुन सिंह गौड़ को हमारे हुजूर में हाजिर होने की इत्तला भेज दो। जो हुक्म आलीजा। हम तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे। आओ बैठो। जीवन मरण की उलझन, ऐसी सुहाग रात शायद ही किसी को नसीब हुई। मेरे दीदी की धड़कन आपको सुनाई देती है? हाँ चंद्रा, आज हम दोनों के हृदय की धड़कन एक हुई।
आज हमारा सदा के लिए मिलन हुआ। पर इस मिलन के बाद न जाने क्या होगा। सर पे तो विपदा के बादल छाए हैं। वीर राजपूतों का जीवन विपदा के बादलों की छाया में फलता है चंद्रा। तुम जैसे वीर पत्नी को इतना अधीर होना शोभा नहीं देता। वीर पत्नी के मन में भी स्त्री होने के कारण निर्बलता ही जाती है। आज आपको पाकर मेरा मन सुख और आशंका से कांप रहा है। चंद्रा, राजपूत फरमान लेकर आ गया है। ठहरिए महाराज। विजयपति को वीर सती ने अपने खून से तिलक किया। टक्कर थी ये हुकूमत से, बाजी थी उसके भाग की। आखिर दम तक ना मन पाई उसकी रात सुहाग की। जाओ हमला करो। अभी खबर आई है कि नौमहला का फाटक टूट गया है, मगर अमर सिंह और उसके साथी जानती बाजी लगाकर मुकाबला कर रहे हैं। और वो लोग जीते जी हार मानने वाले नहीं। अर्जुन सिंह गौड़ा अभी तक नहीं आया। नहीं आलीजा, उसके यहाँ आते ही हमें किसने बंद किया है ये दरवाजा? बाहर लड़ाई शुरू हो गई है और मैं यहाँ बंद हूँ। भैया भैया, माता जी ने हमें यही रहने के लिए कहा। छोड़ दो मुझे, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं भी लड़ूंगा। सब लोग मुझे बच्चा समझते हैं। मैं दिखा दूंगा कि मैं अमर सिंह राठौर का पुत्र हूँ। कि तुम अमर सिंह पर दबाव डाल सकते हो आलिजा? अमर सिंह को समझाने का काम आसान नहीं। हम तुम्हें बहुत बड़ी जागीर और सिपाही सालारी का औहदा अता फरमाएंगे। अगर तुम अमर सिंह को हमारे पास लाने में कामयाब हुए। अच्छी बात है आलीजा, आप मुझे लड़ाई बंद करने का शाही फरमान इनायत फरमाइए। मैं आपके हजूर में उस बागी को लाकर हाजिर कर दूंगा। शाबाश अर्जुन सिंह गौर, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। Oh, my God.
जाओ बेटा, जल्दी जाओ, अपनी माता जी को बुला लो। अब समय नहीं, दुश्मन नजदीक आ गए। राज सिंह जी का भरोसा था, वो अभी तक आए नहीं। दुश्मन के गंदे हाथ तुझे छू नहीं सके, इसके लिए एक ही उपाय है बेटी। मैं समझ गई कौन जालिम? हाँ महाराज, अगर हम पल भर भी देर करते तो अनर्थ हो जाता। यह है महाराज जगत सिंह के पाटिल। राज सिंह? हाँ राव जी, चारों तरफ बादशाही फौज का घेरा देखकर हमें भेष बदल कर आना पड़ा। आप ठीक समय पर आ गए, आपने एक बाप को अपनी बेटी की हत्या से बचा लिया। चलिए राव जी। नहीं, हम लाशों के बीच खड़े हैं, खून से खेल रहे हैं, अब भौरे पड़ नहीं सकते। आप तारा को ले जाइए। लेकिन आपको इस हालत में छोड़कर? हमारी फिक्र न कीजिए, हम मौत को गले लगा चुके हैं। आपसे सोदिया वंश के दीपक हैं, जिसकी रोशनी से आज राजपुताना जगमगा रहा है। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो राठौर वंश का नाम हमेशा के लिए इतिहास में बदनाम हो जाएगा। जाइए, देर न कीजिए। जाओ बेटी, देर न करो। जाओ बेटी। माता जी। उठो बेटा, जल्दी करो। राज सिंह, चलो बेटा। चंद्र, अब कोई बंधन न रहा, जाओ जो हर की तैयारी करो। जालिम सिंह। बापू, क्या हुआ राम सिंह? मैंने लड़ाई में दुश्मनों के दो आदमी मार गिराए, मगर मामा ने आकर लड़ाई रुकवा दी। लड़ाई रुकवा दी क्यों? हरजीत सिंह, जीजा जी, अब अपनी तलवार को नियाम कीजिए। मैं बादशाह सलामत से लड़ाई बंद करने का परवाना लेकर आया हूँ। मगर किस लिए? अब तो बारूद के ढेर में चिंगारी पड़ चुकी है, यह आग इस तरह ठंडी नहीं होगी। आज हम हुकूमत की बुनियादें हिला देंगे, आगरा की गली गली में हलचल मचा देंगे। ये तो सब उसी वक्त हो गया था जीजा जी, जब आपने दीवाने आम में जाकर सलामत खां का सर उड़ा दिया था। मगर अभी तो बादशाह सलामत आपकी बहादुरी की आफरीन पुकार रहे हैं, उन्होंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दोस्ती का हाथ? और बादशाह सलामत ने? हाँ बहन, इसीलिए तो मैं जीजा जी के पास आया हूँ कि मैं इन्हें लेकर उनके पास जाऊँ। बादशाह सलामत सब कुछ भूल कर जीजा जी को माफ कर देना चाहते। नहीं नहीं, हमें यकीन नहीं होता। मुझे तो इसमें कोई बादशाह की चाल नजर आती है। क्या कहती हो बहन? अगर खतरे का जरा भी अंदेशा होता तो क्या मैं जीजा जी को अकेले शाही महल में चलने के लिए कहता? अकेले? हाँ बहन, बादशाह सलामत इस सुलह के मामले को बिल्कुल पोशीदा रखना चाहते। अगर इसमें कोई धोखा हुआ तो? तुम चिंता न करो चंद्रा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे हाथ में तलवार भी है जो हर धोखे की गर्दन पर वार कर सकती है। चलिए जीजा जी। ये तो बड़ा अफसोस हुआ महाराज, मैं विनती करती हूँ कि आप ना जाए तो अच्छा है। इतने अधीर न बनो चंद्रा, प्रलय से टक्कर लेने वाले राजपूतों के पैरों तले हर मुसीबत दबकर कुचल जाती है, आप शकुन भी शकुन बन जाते हैं। चलिए अर्जुन सिंह जी। चलिए दीदा जी। हे भवानी, उनकी रक्षा करना। चलिए अर्जुन सिंह, हमारे स्वागत के लिए ये दरवाजा। ये तो वैसे ही जीजा जी, किसी खास वजह से बड़ा फाटक नहीं खोला गया। समझता हूँ, फिर भी हमारा सर बादशाह के सामने नहीं झुके। जीजा जी, ये तो किसी खास खतरे की वजह से। खतरा? खतरा तो अक्सर अपने ही आदमियों से हुआ करता है।
आपकी ये हालत। कौन? नौशेरबाज। जी राव जी। नौशेरबाज, ख्याल रखना हमारी लाश की बेइज्जती ना होने पाए, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। ऐसे ही होगा, मैं कलामे पाक की कसम खाकर कहता हूं कि आपकी इस आखिरी ख्वाहिश के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी कुर्बान कर दूंगा। नबी रसूल, नबी रसूल। नौ मेला की रानी साहिबा को खबर कर दो, राठौर सरदार धोखे से मारे गए हैं। जाओ, जल्दी जाओ। चौक मत बजा। क्या कहते हो? आलम बोला, फाटक पे पहुंचते ही मैंने अपनी कटार अमर सिंह की पीठ में भोंक दी। आपके रास्ते का काटा हमेशा के लिए दूर हो गया। अब मुझे मेरा इनाम मिलना चाहिए आलिजा। खामोश! ओ जलील शैतान, तूने अमर सिंह जैसे बहादुर जाबाज आदमी को धोखे से मार डाला और उस पर इनाम चाहता है। ना मुराद, जिस अमर सिंह की बहादुरी पर हम फख्र करते थे, उस जमा मर्द की पीठ पर वार करने से पहले तुझ पर खुदा का कहर क्यों टूट पड़ा? दगाबाज, तूने ऐसा गुनाह किया है कि तेरी खाल खिंचवानी चाहिए। मुझ पर रहम कीजिए आलिजा, मैं अमर सिंह को झूठ बोलकर यहां तक लाया था। अगर उसे यहाँ आकर ये पता चल जाता तो मेरी गर्दन उसकी तलवार का निशाना बन जाती। मरते मरते भी उसने मेरी नाक में वार कर दिया। मुझे माफ कीजिए आलिजान। दूर हो मक्का। रहम आलिजान, रहम। खामोश, तूने अपनी ही नहीं बल्कि अपनी तमाम बहादुर राजपूत कौम की नाक कटवा दी है बक्कार। ले जाओ उसे। रहम, रहम आलिजान, मुझे माफ कीजिए आलिजान। अगर राजपूतों में अर्जुन सिंह गौर जैसे गद्दार पैदा न होते तो आज यही राजपूती कौम सारी दुनिया पर हुकूमत कर रही होती। इन लोगों की आपस की फूटी की वजह से हमने इस बहादुर कौम पर फतह पाई। वजीर आजम, हम चाहते हैं कि अमर सिंह की लाश को शाही हिफाजत में रखा जाए। माँ बदौलत कल आफ्ताब की पहली करण के साथ उस जमा मर्द की लाश पर अपने हाथों कैसरिया कफन डालेंगे। जाओ, हुक्म की तामीर। लेकिन आलिजा, अमर सिंह की लाश को हासिल करने के लिए उसके आदमी कुछ ना कुछ तूफान जरूर खड़ा करेंगे। यही तो हम देखना चाहते हैं माहरू, कि अब अमर सिंह के बाद उसकी जगह लेने वाला कौन है। ये शोक मनाने का समय नहीं महारानी जी, आज हमारा और आपका ही नहीं बल्कि सारे राजपूत कुल का वो नुकसान हुआ है जिसकी कमी कभी नहीं पूरी हो सकती। अब आप मुझे महाराज का शव शाही महल से लाने की आज्ञा दीजिए। हाँ, जान की बाजी लगा देना, मगर महाराज का शरीर लेकर ही आना, देर ना करो। जो आ गया, चलो। माता जी, मुझे भी जाने दीजिए। नहीं नहीं, तू राठौर कुल का दीपक है, अगर तू भी चला गया तो फिर कौन रहेगा। देखे जिसे है राह फना की तरफ कहां, तेरी महल सरा का यही रास्ता है क्या। कुछ गम नहीं मिटा जो निशान तेरी कब्र का, काफी है ये निशान कि तू बेनिशान गया। वही ठहरो, किसकी मजाल है जो लाश की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ा सके। पागल हो गए हो नौशेरबाज, ये बादशाह सलामत का हुक्म है। मैं अपने मरने वाले दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना अपना फर्ज समझता हूँ। तो अपने शहंशाह के हुक्म की तौहीन कर रहे हो और ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, मैं राह खुदा पर चलने वाले इस जाबाज की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। मैं अमर सिंह की रानी के सिवाय इस लाश को किसी को छूने न दूंगा। अगर ऐसा ही है तो हमें लाश जबरदस्ती कब्जे में लेनी होगी। अगर जान की सलामती चाहते हो जोरावर सिंह, तो पठान के बेटे से टक्कर न लो, वरना एक लाश के लिए कई लाशें बिछा दूंगा। देखते क्या हो बहादुर, गिरफ्तार कर लो। Thank you.
पुकारती हैं वो पद्मिनी सी रानियां, तुमको पुकारती हैं प्रताप की कहानियां। परवरदिगार तेरा लाख लाख लोग तो बहादुर बेटे रोया नहीं करते। तुम्हारे वालदैन इस दुनिया से चल दिए, लेकिन उनकी ये चिता सदियों तक इसी तरह तारीख के सफों पर जलती रहेगी। अमर सिंह राठौर और रानी चंद्रावती का नाम हिंदुस्तान के हर बाशिंदे की जबान पर उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कि ये दुनिया कायम है। आज से अमर सिंह का शाही औहदा और नागौर का परगना तुम्हें दिया जाता है। आह न की परवाह न की, आखिर तक अपनी जान की, उसने दिखला दी दुनिया को क्या ऊंचाई इंसान की, उसने दिखला दी दुनिया को क्या ऊंचाई इंसान की। ऐसे वीरों के कारण धरती टिकी हुई भगवान की, अमर रहेगी अमर कहानी अमर के इस बलिदान की, अमर के इस बलिदान की, अमर के इस बलिदान की। अमर रहेगी अमर कहानी अमर के इस बलिदान की। हम तुम्हें सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान।